एक मिथ दूर करना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन. देर आर सेवरल अदर थिंग्स विच आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. इट इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस, थ्री स्टेज प्रोसेस, और जो कम्युनिकेशन है वो उसमें थर्ड नंबर पर आता है. और कम्युनिकेट करने से पहले सेकेंड नंबर पर रेपो बिल्डिंग आता है, और रेपो बिल्ड करने से पहले फर्स्ट नंबर पर मीटिंग प्रोसेस आता है. सो बिफोर वी जंप अप टू द कम्युनिकेशन पार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. And the first thing is meeting. Meeting क्या है कि जब भी आप communication बाद में करेंगे, आप किसी से भी बातचीत बाद में करेंगे, पहले एक meeting का process होता है. और meeting का जो सबसे essential part है वो है impression. या अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो वो है first impression. और बहुत से लोग आपने सुना होगा कहते हैं कि your first impression is your last impression. मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलता हूँ कि your first impression is your most important impression. जो कि आप क्रिएट करते हैं, और कई बार ये बदला नहीं जा सकता क्योंकि सामने वाले के दिमाग पर ऐसी छाप आप छोड़ देते हैं जिसे बदलना मुश्किल होता है. इसीलिए शायद कहते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये क्रिएट कैसे होता है और कैसे कैरिज्मेटिक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट किया जाए. सबसे पहले आप समझो इंप्रेशन क्या है. आपकी एक इमेज सामने वाले इंसान के माइंड पर बन जाएगी कि आप कैसे हैं. वो प्रिसीव कर लेगा, वो समझ लेगा कि आप कैसे हैं. और ये इमेज बनाने के लिए पहले समझते हैं अटेंशन स्पैन को. ये जो अटेंशन स्पैन है एक इंसान का पहले 10 मिनट 20 मिनट भी हुआ करता था. लेकिन क्या आप जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेशन एज में एक ह्यूमन बींग का जो अटेंशन स्पैन है वो 4 to 7 मिनट्स नहीं सेकंड्स के बीच में सिमट गया है. एक इंसान 4 से लेकर 7 सेकंड तक ही अपना अटेंशन किसी को दे पाता है, और उसी में ही वो चीजों को प्रसीव कर लेता है, उसी में ही वो अपना नजरिया बना लेता है, उसी में ही वो अपनी विचारधारा बना लेता है, इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है किसी भी सामने वाले व्यक्ति के बारे में. अब इस 4 से 7 सेकंड के अंदर सामने वाला क्या देखेगा, वो देखेगा आपकी अपीयरेंस. यू कैन नॉट यू नो कंट्रोल योर फिजिकल फीचर्स बट यू कैन कंट्रोल योर अपीयरेंस. आप कैसे हैं, कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कितनी हाइट है, क्या कलर है, क्या वेट है, कई बार हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते. और मैं आपको यकीन मानिए एक फैक्ट बताता हूँ कि ये सभी चीजें हमारे फिजिकल फीचर्स 20% रोल प्ले करते हैं, और बाकी का 80% रोल प्ले करता है हमारी अपीयरेंस, कि हम अपीयर कैसे हो रहे हैं, अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं. तो कौन सी वो 4 चीजें हैं जो हमारी इमेज को सामने वाले के इंसान पर बनाती हैं. ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज है आपका ड्रेसिंग सेंस. आपकी ड्रेस को देखकर, एप्रोप्रिएट ड्रेस को देखकर ही सामने वाला अपने माइंड में कई सारी चीजें प्रसीव कर लेता है. आप कभी भी किसी डॉक्टर को शॉर्ट्स में नहीं देखना चाहेंगे, किसी लॉयर को बर्म्यूडा में नहीं देखना चाहेंगे, किसी यू नो बिजनेसमैन को आप सैंडोज में नहीं देखना चाहेंगे. इसका रीजन ये है कि हमारा दिमाग वो जैसे जिस प्रोफेशन के लिए आए हैं उसी तरह की एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के साथ एंकर करके उनको देखना चाहता है. तो सबसे पहली एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सेंस. दूसरी चीज है फीलिंग्स. तो आप कहोगे कि फीलिंग्स हमारी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती हैं. आप जिस भी फीलिंग की स्टेट में है उसी तरह आपका पोस्चर बनता है. अगर आप हैप्पी और कॉन्फिडेंट फीलिंग में है तो आपका पोस्चर स्ट्रेट और स्ट्रांग बनता है. और अगर आप डिप्रेस्ड, डरे हुए, या पर कई लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो उनकी फीलिंग्स उनकी बॉडी को गवर्न कर लेती है और उनका शरीर डाउन हो जाता है. शरीर डाउन होने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और कॉन्फिडेंस डाउन होने से लोगों पर वो जो इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ नहीं पाते. इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी भी कम्युनिकेशन पर जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग पर जा रहे हैं, तो ड्रेसिंग सेंस के बाद दूसरी चीज जो आपकी अपीयरेंस को निखारेगी वो है आपकी फीलिंग्स. आपको फीलिंग्स कैरी करनी है पॉजिटिव, आपको फीलिंग्स कैरी करनी है कॉन्फिडेंट. और अगर आपने ये कॉन्फिडेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में काफी हेल्प करेगा. तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज. सबसे भयंकर, सबसे पावरफुल चीज बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपके कपड़े आपकी फीलिंग्स को भी ओवरपास कर जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज. अगर एक इंसान के पास ओपन बॉडी लैंग्वेज है, कैरिज्मेटिक बॉडी लैंग्वेज है, एक इंसान के पास यू नो एक्सपेंशन है. जब मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं, अपने की बात की है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सपेंडेड होनी चाहिए, तो कई लोग ये बात को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हमें चौड़े होकर के चलना है. एक्सपेंशन जब मैं बोलता हूं तो इसके साथ एक वर्ड को अटैच कीजिए, और वो वर्ड है जेंटल. आपकी बॉडी एक्सपेंडेड तो होनी चाहिए लेकिन जेंटल भी होनी चाहिए. जब आप एक्सपेंशन के साथ जेंटल को अटैच करेंगे तो आप देखेंगे आप एक परफेक्ट पोस्चर में आएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक परफेक्ट शेप में आएगी, और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, एक्सपेंडेड भी फील करेंगे, और जेंटल भी फील करेंगे. आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन, एक्सपेंडेड, कॉन्फिडेंट और जेंटल तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको 4 चीजों पर और भी ध्यान देना है. सबसे पहली आपकी आंखें. आपको एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, और वो आई कॉन्टैक्ट
उसके हर चीज के साथ जेंटल जरूर ऐड कीजिएगा, जेंटल। आपको एक प्रॉपर स्माइल जरूर अपने फेस पर रखनी है और उस स्माइल के साथ एक वर्ड अटैच कीजिएगा, जेंटल। क्योंकि स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप हंसते रहें, जब आप उसको एक जेंटल स्माइल बनाएंगे, जेंटल वर्ड को अटैच करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत स्माइल आपके फेस पर आएगी। तीसरी सबसे जरूरी चीज है आपके हैंड मूवमेंट्स, कि जब भी आप किसी से मिलते हैं आप हैंड शेक कैसे करते हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे, तो ये सब चीजों का बहुत बारीकी से रोल प्ले करता है। आपको इनकी इनकी पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोस में, जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो इन सब चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मीटिंग में हम इतना समझें कि हमको अपनी एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस चाहिए, उसके साथ कुछ फीलिंग्स अटैच करनी होंगी जो हमारी एक इमेज को क्रिएट करेंगी, और उसके बाद एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को हमको अवेयर करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोन ऑफ आवर वॉइस। हम जिस भी टोन में बात करते हैं वो टोन ही हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा या बुरा बनाती है। आप यकीन मानो जितने भी डिवोर्स होते हैं उसमें उन लोगों में बातें बड़ी कम गलत हुई होती हैं, लेकिन टोन कई बार गलत होती हैं। जितने भी पार्टनर्स की पार्टनरशिप टूटती है उसमें बातें कुछ कम गलत होती हैं, लेकिन टोन का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हमारी टोन ऐसी होती है जो उस मीटिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती, तो ये टोन को कैसे मैनेज करना है ये भी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन आज हमने ये सीखा कि आपको जो मीटिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको चार चीजों पर ध्यान देना है अगर आप एक कैरिज्मेटिक इंप्रेशन सामने वाले इंसान के दिमाग पर छोड़ना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है आपकी ड्रेसिंग सेंस, दूसरी चीज है आपकी फीलिंग्स, आप किन फीलिंग्स के साथ सामने वाले को मिलने के लिए गए हैं, तीसरी चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज, एंड फोर्थ थिंग इज योर टोन ऑफ वॉइस, कि आप किस टोन में सामने वाले से बात करना शुरू करते हैं। सो आफ्टर द मीटिंग प्रोसेस नाउ कम्स द सेकंड स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, and that stage is rapport building. What is rapport building? Rapport building is a process of developing connection. आपको दूसरे सामने वाले इंसान पर आपने अपनी एक इंप्रेशन छोड़ दिया, एक छाप छोड़ दिया, आपने उसके माइंड पर एक अपनी पिक्चर क्रिएट कर दी। अब इसके बाद जरूरी है कि आप उससे कनेक्ट करें, रेजोनेट करें, और ये कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश होगा उतना ज्यादा बेटर कम्युनिकेट आप आने वाले टाइम में कर पाएंगे, उतना ज्यादा उसकी जो आपने इमेज अपनी छोड़ी है वो उसकी छाप कंफर्म और पक्की हो जाएगी जितना अच्छा आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और कनेक्शन अच्छा एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ग्रीट, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं आपका इंप्रेशन आपने छोड़ा, उसके बाद आप ग्रीट करेंगे, दूसरे सामने वाले व्यक्ति से हैंडशेक करेंगे, अपना नाम बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं कि अपना नाम बताते हुए जैसे कहते हैं आई एम अनुराग। यहाँ पर आपको नाम से ज्यादा कुछ बताना है, आपको ये बताना है कि आप कौन है, किस लिए आए हैं, कहाँ, क्या काम आपको, चाहे वो जानते हो फिर भी आपको ये चीज बतानी है, क्योंकि ऐसा करने से जितना आप अपने बारे में बताएंगे उतना ही सामने वाला इंसान आपको अपने बारे में बताएगा। जैसे आप कहते हैं कि आप अपना नाम बताते हैं कि हाय आई एम अनुराग, तो सामने वाला बंदा भी कहेगा कि हाय आई एम राजेश। आपको क्या करना है, आपको कहना है हाय आई एम अनुराग एंड आई एम द स्पीकर ऑफ टुडेज इवेंट। अब जब आप इतनी बात करते हैं तो सामने वाले की भी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने नाम से ज्यादा आपको कुछ बताए, और यहाँ पर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है क्योंकि पहली बार में ही कुछ ज्यादा बातचीत होने लगी है। जब आप ये काम करते हैं इसके बाद जरूरी है कि आप सामने वाले ने जो अपना नाम बताया है अगर आप उसे नहीं जानते थे तो उसके नाम को रख लीजिए, उसको अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत बार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में और बहुत सी बुक्स में कि आप जब सामने वाले इंसान का नाम याद रखते हैं और उसे उसके नाम से पुकार के बुलाते हैं तो ये उसके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत सुनने वाली चीज हो जाती है, अपना खुद का नाम। तो ग्रीट करते हुए आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट उसे देनी है अपने बारे में, और उसका नाम जब आप सुने तो उसको आपको याद करना है। सेकंड थिंग आफ्टर ग्रीटिंग इज फाइंड समथिंग कॉमन, आप में और उनमें कॉमन क्या है, हो सकता है वो कोई लैंग्वेज हो, आप दोनों सेम लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है वो कोई स्टेट हो जहां से आप, तो एक ऐसी चीज जो आप में और उनमें कॉमन है, जो क्योंकि जब आप ये कॉमन ढूंढते हैं तो एक बहुत मजबूत कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, एक सेफ की फीलिंग आती है, और जब किसी में आप सेफ की फीलिंग जनरेट करते हैं तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन वहां पर एस्टेब्लिश होता है। तो ग्रीट करने के बाद सबसे जरूरी चीज है कि कुछ कॉमन फाइंड आउट कीजिए, और ये कॉमन फाइंड आउट करने के बाद तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको कुछ अच्छा नोटिस करना है, नोटिस समथिंग गुड, और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन याद रखिए ये कॉम्प्लीमेंट पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं, कोई ऐसी चीज जो उनको भी लगे कि यार वाकई में ये बहुत अच्छी चीज थी और सामने वाले इंसान ने नोटिस की है। नाइस रूम, वंडरफुल पार्टी, वंडरफुल एटमॉस्फेयर, कुछ भी आप बताएं सामने वाले को अच्छा नोटिस करके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बताएं, इससे एक बहुत सुंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। और ये करने के बाद एक बहुत जरूरी चीज है जो कि हमको रेपो बिल्डिंग में सीखनी है, और वो है
बी अ गुड लिसनर। ये लाइन हमने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज इसको सुनना है कि आपको एक अच्छा लिसनर नहीं, आपको कॉन्शियस लिसनर बनना है, आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है। लेकिन हम बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम सुनने की बजाय बोलना शुरू कर देते हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो हो सकता है सामने वाले को कम पसंद हो या ज्यादा पसंद हो, लेकिन जो वो बोल रहा है वो तो अपनी पसंद से ही बोल रहा है। इसलिए जब आप सुनने का काम करते हैं तो आप सामने वाले की पसंद का काम कर रहे हैं। बी अ गुड लिसनर एंड बिकम एन एक्टिव लिसनर। बहुत ध्यान से कॉन्शियसली और सुनने में एक बात कही जाती है कि सामने वाले इंसान को इसलिए न सुने कि आप उसके बाद क्या कहेंगे, आप इसलिए सुन रहे हैं। आप सामने वाले इंसान को इसलिए सुने कि आपको बस सुनना है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि बीइंग अ गुड लिसनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कम्युनिकेशन बेटर कर पाएंगे। तो ध्यान से दूसरे इंसान को सुने, और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, ऐसा कनेक्शन जो आपकी आने वाली कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी नींव रखेगा। आने वाले कुछ